Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good and well. वीद अब सब ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक होंगे हैं सके तो भाई जी देखें, आज फिर दूसरी सुबह छः बजे का ही टाइम है और मुझे फिर उठना पड़ा नींद में एक्सरसाइज को कवर करने के लिए। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, इस काम को करना आसान नहीं है, अपनी चीज़ों को संभालना और अपनी नींद को तर्क करके अपनी नींद कुर्बान करती ना अपने टेक्सचर्स को कवर करने के लिए। मेरी आंखें बंद थी और एकदम अम्मा कहती जाओ बारिश होने वाली है, बादल आ गए, लेकिन अभी बारिश हो रही है मगर मेरे मोबाइल का लेंस इतना क्लियर नहीं है जितने जो रिजल्ट उसमें बारिश क्लियर कैप्चर कर पा रहा हो, बट बारिश हो रही है। मैं टेक्सचर सारे जो है कवर करके आई हूँ। ज़मीन वाले जो नई शीट लाई थी वो ऊपर दे दी है मैंने, थोड़ी सी तो बचत तो अब पता नहीं वो गंदी हो जाएगी शीट मेरी न्यू वाली भी। खैर इतनी सर्दी लग रही थी मुझे क्योंकि एकदम जिसम गर्म होता है एकदम बंदा बारिश में चला जाता है, तो सारा कुछ इतनी मुश्किल से जल्दी जल्दी में कवर किया है मैंने, अब मैं नीचे आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो मैं अभी छत पे आई हूँ और वर्क प्लेस का खलारा देखें, आज फिर बारिश हुई थी सुबह, तो अब मैं ज़रा थोड़ा सा सफाई कर लूँ। देखिए कितना खलारा पड़ गया फिर से टेक्सचर्स का और इसको भी देखते क्या करना है, बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है। कल मैं अपनी जो थी ना ये वाइट डर्ट इसको शिफ्ट करके गई थी और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा कच्चा निकला था। लास्ट टाइम जब मैंने 14 अगस्त की वीडियो बनाई थी ना तो वो जो नेल पेंट था ना वो भी इसके अंदर चला गया हुआ था सारा, क्योंकि वो पील ऑफ था तो वो भी उतर के इसके अंदर चला गया हुआ था। और वो जो नहीं है वाइट ग्रीनी सैंड का जो ग्रिट है उसे क्या कहते हैं कॉन्क्रीट, वो भी और सीमेंट के जो हम इसमें ऐड करते हैं वो भी चंक थे अंदर, तो बहुत सारे इसके अंदर से ना कच्चा निकला था। मैं काफ़ी टाइम तक इसको पूरा टब जो देख रहे हैं शिफ्ट करके गई थी, जब तक ये पूरा कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हो गया था ना मैं नहीं गई थी। तो अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अभी तो नहीं मिक्स करूँगी, अभी दो चंक जो है ना उधर पड़े हुए हैं वो वाइट डर्ट के, उनको कम्प्लीटली क्रम्बल करने के बाद जब वो भी शिफ्ट कर लूँगी ना तो उसके बाद इस टेक्स्चर को मैं रेडी करूँगी, ठीक है, पानी वगैरह डाल के। मुझे लगता है कि वही रीज़न था जो टेक्स्चर को हार्ड कर रहा था जो अंदर, अब सैंड भी पता नहीं है ये नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा अब, क्योंकि अगर मैं इसको एक दफ़ा फिर से बनाऊँगी अगर मुझे कुछ लगा अंदर तो फिर मैं इसका लिक्विड सेपरेट करूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा टेक्सचर को ना दोबारा से रीन्यू करने में ना बहुत टाइम लगता है, तो पूरा एक दिन इसी के अंदर ही 2 घंटे लग जाते हैं, तो मैं इन 2 घंटों को एक ही टेक्सचर पर नहीं लगाना चाहती है, ठीक है। तो मैं ये ज़रा काम सारा सफाई वगैरह कर लूँ, ये जगह सारी साफ़ कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ना ये जो टेक्सचर्स है ना इनको तरतीब से फिर हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अच्छा मैंने यहाँ से सारी डस्ट क्लियर की है, अब मैं ये शेप्स उठा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, जो ज़मीन के साथ चिपक गई हुई हैं, मैं कह के मैं आपको दिखाती हूँ उनको उतारते हुए, मे भी आपको ये चीज़ अच्छी लगे, ठीक है। तो मैंने ये सारी शेप्स जो है ना एक एक करके देखो नज़र आ रहा है ब्लॉग में, इसमें ना बहुत कच्चा अच्छा लगा, सही है, अब पता नहीं हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का। अभी मैंने सही जगह साफ करके ना वो शीट को सही करके इनको ना रखती हूँ, शुक्र है टेक्सचर जो है ना वो इतना बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कि मुझे दोबारा बनाना पड़ता, तो ये बड़ा पॉजिटिव प्लस पॉइंट रहा बारिश के बाद भी, हालांकि 2 बटन केस ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है लेकिन स्टिल टेक्सचर की शक्ल काबिले कबूल है, सही है ना। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा
हुआ है। ये मैं अपनी सारी वर्क प्लेस को साफ करके सारा टेक्सचर उठा के ये देखें। आप लोग भी ना ये गैजेट को अगर आपकी शॉप से बाज़ार से मिलता है लाजमी लें, बहुत ज़बरदस्त है। दूसरों के लिए तो ये कबाब और कटलेट्स और पता नहीं क्या क्या बनाने के काम आएगा, हमारे लिए टेक्सचर्स को उठाने के लिए, उनको स्क्रैप करने के लिए बहुत ही परफेक्ट है ये टूल। ठीक है, तो किधर गया माइक, इसको ना आप ज़रूर बाय करें। नहीं नज़र भी नहीं आ रहा, मैं क्रम नहीं कर रही हूँ। चलो मैं इसको किसी चीज़ में निकालती हूँ, फिर दूसरी टेक्सचर्स को साफ करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको उठा लूँ। अच्छा ये देखें, ये जगह मैंने साफ़ कर ली है, यहाँ से शेप से भी वहाँ उठा के रखती हूँ। तो पहले इनको कर लें स्क्रैप, ठीक है, फिर हम मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद जाके मैं बाकी काम जो है ना निपटाऊंगी। फिलहाल इनको ठिकाने लगाते हैं। अगर मैं इनको उस दिन गीला गीला पेस्ट उठा लेती ना, तो मुझे तो फिर भाई डबल मेहनत करनी पड़नी थी। मेहनत से बच रही हूँ। सही है, चलो भाई ये मैं सारी शेप तो खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए मैंने सारी जगह सफाई कर ली, मुझे सारी जगह रखी है, ये टेक्सचर उठाया, सारा टेक्सचर्स उठा के वहाँ रखे हैं, वो भी देखे सारी शेप्स उठा के वहाँ रखी, जगह साफ किया। अब मैंने ऐसा किया, अपने माइक में आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, वेट, हाँ मैंने कहा कि ना एक शेप की ना क्रमलिंग करते हैं डैम वाले की। ये देखें ये ग्रेनी सैंड है, वाइट ग्रेन सॉरी ग्रिटी सैंड है, जोड़ी यूसी में होता है, मेरे को डैम क्रमलिंग कर लेती हूँ इनको। डैम क्रमलिंग बहुत पसंद है। ये शेप पीछे भी पड़ी थी, इसके अंदर वो जो नहीं है बॉल जिसमें एक्स्ट्रा टेक्सचर बचता है, मैंने इसको बॉल में डाल लिया था, क्योंकि मेरे का इतने थोड़े से टेक्सचर की शेप नहीं बन पा रही, मैं फिर इसको इसमें रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी दोबारा शेप्स बना लूँगी जो टेक्सचर एक्स्ट्रा। चले ठीक है, मैं ज़रा टेक्सचर टैब लगा लूँ, वीडियो बनानी है मुझे, क्योंकि आजकल बहुत स्लो काम चल रहा है वीडियोस बनाने का। जब मैं ये वीडियो बना लूँगी उसके बाद जो मैंने ये टैब निकाले हैं साइड पे किए हैं, इनकी टेक्सचर को निकाल के शेप्स बना के चल जाऊँगी मैं, और कल आके फिर उन शेप्स अगर ड्राई हुई होंगी तो उनको उठा के स्लैब्स पर रख देंगे। इस तरह काम जो है थोड़ा बहुत करते रहते हैं, ताकि जितना काम करेंगे थोड़ा बहुत उतना काम में इजाफा जो है ना हो, कमी होगी।
तो दो टैक्सी आज मैं बना के जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, तो मिलते हैं आपसे वीडियो बनाने के दौरान। अच्छा मैं ना मुल्तानी में टिकट टैक्सी की वीडियो बना लेगी, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं सही आ रहा है इस टाइम। बहरहाल मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत सफाई करनी है और टेक्सचर सारी तरतीब से कुछ रखने हैं, तो मिलते हैं आपसे वीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला। बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है और इसी चक्कर में अंधेरा भी हो गया है। ये कुछ कहीं टेक्सचर में थोड़ी सी मुझे हार्डनेस लगी है, ये देखिए मज़ा नहीं आया वीडियो बनाने का ज़रा भी। शोर शोर अच्छा जी मैंने ये वीडियो बना ली है, अब मैं इसकी शेप्स बना के रख दूँगी, ठीक है। इस भाई ने बहुत तंग किया वीडियो में, 10 दफ़ा मैं उठी वीडियो को बंद करने के लिए। चले मैं इस टेक्सचर को रख दूँ शेप्स बना के, फिर मिलते हैं बाद में। हाँ जी जी वेलकम बैक भाई, मैं कब से काम करने लगी हुई थी, नीचे लाइट गई हुई है, लाइट जाने की वजह से मैं नीचे नहीं जा सकी है क्योंकि अंधेरा है नीचे, नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने सोचा कि कोई काम कर लेती हूँ, कोई टेक्सचर सेट करके रख देती हूँ, मुल्तानी मिट्टी के टेक्सचर को रेडी करके रखा है, मिक्सिंग करके पाउडर वगैरह, क्योंकि टेक्सचर तो था इसकी ड्राई क्रमी की थी और हाफ ऑर्डर की थी, तो हाफ जो की थी ना टेक्सचर की वाटर ड्राई, उसको मैंने ना फिर क्या कहते हैं रख दिया मिक्स करके, और ये वही टेक्सचर है येलो वाला जो जी मैंने दो टेक्सचर क्रम्बल किए थे। मैं इसको बाहर निकालने की तो ये बिल्कुल ही पाउडर हो गया क्योंकि इसके अंदर बारिश का पानी गया था, तो इससे उसने बिल्कुल ही सॉफ्ट बिल्कुल ही ऐसे पाउडर हो गया, ठीक है। ये देखिए नज़र ही नहीं आ रहा, मैंने कहा थोड़ा सा आशा जब तुमने शेप्स बना लिए तो बार बार क्यों तोड़ रही उन्हें, सिस्टर में डाल रही हूँ। मैंने कहा कि ना इसको मैं छान लेती हूँ, देखती हूँ कुछ गंद वंद हो अंदर, वेट अ मिनट में ना इसको एक दफ़ा सारा डाल लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये देखिए मैं ना इसको कहाँ गया माइक, तो एक तो माइक बार बार घूम जाता है, ये मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने कहा जो भी एक एक्सटेंड होगा निकल आएगा, ठीक है भाई नाइट व्लॉग। जलील मारे दो दो घंटों की लाइट लेके जा रहे हैं और मैं इस कदर लाइट वाली, अच्छा मैं ना इसको शिफ्ट कर रही हूँ, इसके अंदर से ना भी मक्खी निकली थी शहद की, पता नहीं किधर से उड़ के आके अंदर आ गई थी, मैंने इसको जिंदा ही पकड़ ली, चीख निकल गई। मैं इसको अच्छे से शिफ्ट करके ना ये देखिए जो भी कचरा है ना, एक मैं माइक को सेट कर लूँ, माइक को बहुत तकलीफ उठती है मेरे, इस माइक की वजह से मेरा ये देखें कचरा।
भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं व्लॉग में, अंधेरे में कुछ रिजल्ट भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा, टेक्सचर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अजीब गंदे से टेक्सचर लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कुछ। तो मैंने व्लॉग एंड करती हूँ, जितना भी रिकॉर्ड हुआ है थोड़ा, जितना भी बकवास सा रिकॉर्ड हुआ है मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मैं रेगुलर रहना चाहती हूँ, और जब रेगुलर रहूँगी तो काम भी सही से तरतीब से आता रहेगा, ठीक है। ये मेरी जो रूटीन होगी ना आज की, जो कल की, जो वही डाल रही हूँ कि ये आज वीडियो बना सकी हूँ, ये कर सकी हूँ, तो वही बस अपलोड करती जा रही हूँ, कुछ अपने से नहीं है, जो भी काम थोड़ा बहुत कर रही हूँ डाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे अपने कुछ नए कामों के साथ। आज तो बहुत खपाई हुई है, पर्दे के पीछे कोई बहुत ज़्यादा शोर डाला गया, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम कंटिन्यू किया। अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।